हमारे सामने एम है हमारे ही देश में, जहाँ केरल में माटी मृत्यु दर 19 है, हमारे यहाँ 118 है, जो कि पहले बहुत ज़्यादा था, 150, 160, 190 था, वो धीरे धीरे तेज़ी से घट रहा है। लेकिन ये यहाँ हमने नहीं पहुँचा है, हमारा एम है कि हमारा जो है 3 डिजिट से 2 डिजिट जाए, 2 डिजिट से 1 डिजिट जाए, जो एकदम डेवलप कंट्रीज़ हैं उसमें 1 डिजिट में आ गया है मातृ मृत्यु दर। पहले जो महिलाएं थी अशिक्षित थी, तो समझती थी कि हम घर ही में रहें और घर ही में डिलीवरी कराएं, इससे हम ज़्यादा सुरक्षित हैं, और अगर हम बाहर जाते हैं तो कहीं मेरा ऑपरेशन तो नहीं हो जाएगा, घर में होगा तो सब अच्छा रहेगा। तो ये अशिक्षा का कारण था, उन्हें नहीं पता। तो हम लोग उनको समझाते हैं कि मान लीजिए आप घर में रहते हैं, आपको ज़्यादा खून गिरा डिलीवरी के बाद, तो फिर आप कैसे बचेंगे? अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी तो आपको तो वहाँ नहीं मिलेगा। और अगर आपका बच्चा है, और अगर बच्चा रोया नहीं, तो अगर आप ले गए हॉस्पिटल में, तो ये जो गोल्डन 1 मिनट है वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर आपका बच्चा कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर 1 मिनट 2 मिनट देर से रोया तो अपंग हो जाता है, हैंडीकैप्ट हो जाता है। तो क्या आप ऐसा चाहेंगे कि आपका बच्चा गड़बड़ हो? तो वो कन्विंस होती हैं कि नहीं, हमको बच्चा गड़बड़ नहीं चाहिए, हमको बच्चा सही चाहिए। तो सही जगह पे रहने पर आपका बच्चा सही होगा, क्योंकि वो गोल्डन मिनट का केयर वही मिलेगा ना। इसीलिए आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराएं, हम लोग आपके साथ हैं, आपके साथ हम लोग एकदम अपने परिवार के सदस्य जैसे हैं। इस तरह के समुदाय के पूरे सहयोग से, जो वहाँ के लोग हैं, मुखिया है, ANM है, स्टाफ है, हॉस्पिटल है, सबके सहयोग से ही हम लोग मातृ मृत्यु दर कम कर सकते हैं, 0 की तरफ बढ़ सकते हैं।